जुलाना के बेटी का विदेश की धरती पर गोल्ड मेडल जीतने पर सम्मान समारोह। मानसी लाठ ने जॉर्डन के ओमान में अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता में जीता था गोल्ड मेडल। जुलाना क्षेत्र के लजवाना कला गांव की लाडली मानसी लाठ ने जॉर्डन के ओमान में चल रही अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल मैच जीता था। मानसी ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी पर एकतरफा जीत हासिल की थी, इससे गांव के साथ आसपास के क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। मानसी लाठ ने इससे पहले एशियन चैंपियनशिप में अंडर 17 में गोल्ड मेडल जीता था। आज मानसी के सम्मान में जुलाना उपमंडल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक सामाजिक संस्थाओं और ग्रामीणों ने आज उन्हें सम्मानित किया। उन्हें समारोह स्थल पर बाकायदा एक खुली जीप में वाहनों के काफिले के साथ लाया गया, जहाँ उन्हें सम्मानित किया गया। उनके सम्मान के आयोजन को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए मानसी लाठ ने कहा कि आज अपने लोगों के बीच आकर उन्हें काफी अच्छा लगा है और उन्होंने जो जुलाना क्षेत्र वासियों ने मान सम्मान से नवाजा है, उसे वे कभी नहीं भूल पाएगी, इसे हमेशा याद रखेगी। उन्होंने बताया कि अब वर्ष 2028 ओलंपिक में गोल्ड लेकर आना उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने ये भी आह्वान किया कि समाज में बेटियों को चूल्हे चौके तक ही सीमित न रखे, उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनकी माता ने भी कहा कि आज उन्हें काफी अच्छा लगा कि उनकी बेटी को इतना मान सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार शुरुआत से ही खेल की पृष्ठभूमि से है। इस अवसर कार्यक्रम के आयोजकों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आज जो हमारी बहन थी मानसी लाठ, इसके मान सम्मान का प्रोग्राम था, तो या वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आए है 73 किलोग्राम में। लोगों ने बढ़ चढ़ कर, हमारे हल्के सारे हल्के से बाहर से आए हुए सभी आदमी ने बढ़ चढ़ कर सम्मान किया बेटी का। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। आगे हम कामना करते हैं हमारी बहन बेटी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए 2028 में। उसका बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया गया। लाख बारा द्वारा भी जितने भी सरपंच बारा में आते थे सभी ने चांदी की गदा देकर मानसी बेटी का स्वागत किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, गौरव की बात हमारे लिए। आगे बहुत उम्मीद है, आगे चैंपियनशिप में इंटरनेशनल लेवल पे ये गोल्ड मेडल जीत के लाए, हम यही आशा करते हैं। इस पे तो बहुत खुशी है कि सभी ने इसका इतना अच्छा आदर सत्कार किया है और ये मेडल लेके आई है, सभी को खुशी है और आदर सम्मान कर दिया, इसमें तो बहुत बड़ी बात है। और इसकी हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि बड़ों का और आदर मान ये भी रखे और आगे ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके आए। बचपन के अभाव बहुत अच्छे थे इसके, तभी तो एक तो हमारा परिवार ही पहलवानी से है और हमारे बच्चे वो है ना पैदल चलना भी मैट से ही सीखते हैं, तो वो अभाव तो वहीं से ही स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पहलवानी के, तो स्टार्टिंग से ही सीख रही है। आगे तो ओलंपिक की टारगेट यही है सीधा हमारा, तो ओलंपिक में गोल्ड लेना है। हाँ जी, बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सीमा, मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी मेरे को इतना प्यार देने के लिए और इतना आशीर्वाद देने के लिए। अगला लक्ष्य क्या रहेगा? 2028 ओलंपिक ही अगला लक्ष्य है। इसकी उपलब्धि का श्रेय किसको दिया जाएगा? मेरे पूरे परिवार को देना चाहूंगी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे गलत है, हम आगे बढ़ के कुछ भी कर सकते हैं। भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो, वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।